बेबी का फर्स्ट बर्थडे सारे पेरेंट्स के लिए काफ़ी मेमोरेबल एंड प्रीशियस होता है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने बेबी का फर्स्ट बर्थडे घर पर ही प्लान कर सकते हैं, वो भी बजट में रह के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंस हम बर्थडे पार्टी बजट में रह के कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एसेंशियल बातों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जो जो चीज़ों के बिना पार्टी अधूरी है, हम उन उन चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि डेकोरेशन, केक, फूड एंड रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका बजट परमिट करता है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेकोरेशन की। डेकोरेशन में आप कलर बेस्ड थीम में जा सकते हैं, जैसे कि ब्लू पिंक थीम, प्रिंसेस थीम, सफारी थीम, सुपर हीरोज थीम। आप अपने बजट के हिसाब से और अपनी प्रीफ्रेंस के हिसाब से थीम चूज कर सकते हैं। कुछ थीम्स थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं, कुछ थीम थोड़ी सी चीपर पड़ जाती हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी थीम आपके लिए ज़्यादा सुइटेबल रहेगी। जैसे कि प्रिंसेस थीम में आप पिंक एंड रोज गोल्ड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप से आप डेकोरेट कर सकते हैं प्रिंसेस थीम में, रोज़ गोल्ड बलून्स वाइट पिंक कलर के, और ये पीछे बैनर लगा हुआ है बन का, और अगर बच्चे के पास फीडिंग टेबल है तो आप इस तरीके से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंसेस थीम का फुल डेकोरेशन अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं, जहां आपको स्टार बलून, हर्ट फॉइल बलून्स, बर्थडे हैप्पी बर्थडे लिखा वाला बलून, लटेक्स बलून्स, और ये एलईडी स्ट्रिप्ड लाइट कॉन्फेटी बलून्स, रोज गोल्ड बलून्स, ये सारे आपको एक कंप्लीट पैकेज में मिल जाएंगे। ये आपको अमेज़ॉन पे 600 to 650 की रेंज में मिल जाएगा, तो आपको एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाएगा, तो आपको अलग अलग सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका टाइम भी सेव होगा, और अगर आप ये डिस्काउंट के टाइम पे खरीदेंगे, सेल के टाइम पे खरीदेंगे, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ सुपर हीरो थीम। सुपर हीरो थीम में आप कोई भी अपने फेवरेट सुपर हीरो का बैकड्रॉप परचेस कर सकते हैं अमेज़ॉन से, और कुछ बलून्स यूज़ कर सकते हैं रिलेटेड टू दैट थीम, लाइक रेड, येलो, ब्लू, और इस तरीके से आप उनके फीडिंग टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। और आप चाहें तो सुपर हीरो का फुल पैकेज अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी, जैसे कि बर्थडे बैनर हो गया, बलून्स हो गए, सुपर हीरो फेसेस हो गए, और केक टॉपर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, वो भी अंडर बजट। नेक्स्ट थीम इज सफारी थीम। ये भी काफ़ी ट्रेंडी थीम है, और इस तरीके से आप ग्रीन येलो कलर के बलून्स से डेकोरेट कर सकते हैं, पाम लीफ से डेकोरेट कर सकते हैं, एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं, बेबीज़ के सॉफ्ट टॉयज यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो अमेज़ॉन पे फुल पैकेज ले सकते हैं जंगल थीम का, जहां आपको पाम लीफ्स मिल जाती हैं, कपकेक टॉपर्स मिल जाते हैं, फेस बलून्स, लटेक्स बलून्स, बलून आर्क मिल जाता है, और बर्थडे बैनर मिल जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी केक। डेकोरेशन के साथ साथ केक भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, तो केक आप घर पर ही बेक कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे बेकर हैं या घर में कोई भी मेंबर बेकर है, तो आप घर पर बेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एगलेस केक भी ऑर्डर कर सकते हैं। एगलेस केक थोड़ा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू एग वाले केक से, और या फिर आप जैसे कि बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है, तो आप कुछ कपकेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अंडर बजट रहते हैं। बट अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, आप थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, तो आप थीम बेस्ड केक भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि अगर सुपर हीरो थीम है, तो सुपर हीरो थीम से रिलेटेड केक आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर प्रिंसेस थीम है, तो प्रिंसेस थीम के अकॉर्डिंग आप केक ऑर्डर कर सकते हैं, बटरफ्लाई थीम है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप केक ऑर्डर कर सकते हैं। ये थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में पड़ जाते हैं, तो फिर अगर आपका बजट परमिट करे तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी फूड मेन्यू की, जो कि सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है कोई भी पार्टी का। खाना आप बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर भी कुक कर सकते हैं। बाहर का खाना अगर आप ऑर्डर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, साथ ही में काफ़ी स्पाइसी भी रहेगा, तो अगर बच्चे आ रहे हैं पार्टी में तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे और काफ़ी खाना वेस्ट होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप घर पर ही खाना बनाएं, अगर कम लोग हैं तो इजी रहेगा घर पर खाना बनाना, और अगर आपकी गेस्ट लिस्ट बड़ी है तो आप हलवाई को बोलकर भी खाना बनवा
करवा सकते हैं। खाने में आप स्टार्टर्स रख सकते हैं, ड्रिंक्स रख सकते हैं, मेन कोर्स, डेजर्ट। स्टार्टर्स में आप फ्रेंच फ्राइज, पॉपकॉर्न, कुकीज़, चीज़ स्टिक्स, ये सारे आइटम्स रख सकते हैं। ये काफ़ी लाइट होते हैं स्टार्टर्स। आप कोशिश करें जितना लाइट हो सके उतना रखें, नहीं तो फिर लोग मेन कोर्स नहीं खाते अच्छे से। तो और दूसरी बात, स्टार्टर्स मैंने ये आइटम्स चूज़ किए हैं जो कि मैस फ्री होते हैं। किड्स क्या करते हैं कि कुछ ऐसे अगर अपन आइटम्स रखेंगे तो वो मैस क्रिएट करेंगे और सारे कपड़े और जगह गंदी करेंगे। इससे बेटर है कि कुछ ऐसे स्टार्टर्स रख दिए जाएं जो कि टेंशन फ्री रहें, मैस फ्री रहें। ड्रिंक्स में आप रख सकते हैं फ्रूट जूस, शेक्स, लेमोनेड। फ्रूट जूस कोई भी सीजनल फ्रूट है, जैसे कि गर्मियां हैं तो आप मैंगो है, मैंगो शेक बना सकते हैं या वाटरमेलन जूस बना सकते हैं। तो इस तरीके से लेमोनेड आप बना सकते हैं। अगर एडल्ट्स हैं पार्टी में तो आप टी एंड कॉफ़ी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रिंक्स, वेलकम ड्रिंक्स लोगों को सर्व कर सकते हैं। मेन कोर्स आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन रख सकते हैं। मैं आज आपको वेजिटेरियन मेन कोर्स बताऊंगी क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ। तो ज़्यादातर पार्टी में मैं यही मेन्यू रखती हूँ, जैसे कि पूड़ी या नान, बटर पनीर मसाला, दम आलू, दाल मखनी, पुलाव, बूंदी रायता एंड सैलेड। ये ऐसे आइटम्स हैं जो बच्चे के साथ साथ बड़े भी इंजॉय करते हैं। पनीर है, दम आलू है, ये सभी लोग आराम से खा लेते हैं। डेजर्ट में आप राइस खीर बना सकते हैं। राइस खीर आप पहले से बना के फ्रीज में रख देंगे तो वो ठंडी भी हो जाएगी और आप उसको चिल्ड सर्व भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट आप मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है ताकि अगर आपका बजट परमिट करता है तो आप रिटर्न गिफ्ट दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। रिटर्न गिफ्ट में आप किड्स को चॉकलेट्स दे सकते हैं। कोई भी आप एक अच्छी चॉकलेट परचेस कर लें, लाइक डेरी मिल्क हो गई, और जितने भी किड्स हैं सबको आप एक एक डेरी मिल्क दे सकते हैं, क्रेयॉन्स दे सकते हैं, और मिनिएचर टॉयज दे सकते हैं, स्टेशनरी किट दे सकते हैं। ये काफ़ी रीजनेबल रेट में पड़ जाती हैं, अंडर 100 आपको ये पड़ जाएगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।